वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4। जी हाँ, अ शो टू मेक यू फील अप, एंथुजियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों, हर हफ्ते हम बहुत से सेगमेंट्स में से गुजरते हैं और ये सभी सेगमेंट्स पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, करेज, डिटर्मिनेशन से भरपूर हैं। तो चलिए बढ़ाते कदम आज के इस शो की तरफ, यानी कि इस इंस्पिरेशनल राइड की तरफ। वेल, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ इस इंस्पिरेशनल राइड की, बताना चाहूंगी आपको कि जो हमारा पिछला एपिसोड था उसकी जो रिडल थी उसका सही आंसर क्या है। वेल, वैसे तो इस रिडल का आंसर देके आप बिल्कुल इनाम जीत सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो दो आंसर मुझे आए हैं वो दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसलिए अब मैं ही बता देती हूँ कि रिडल क्या थी और उसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, जो पहेली थी, रिडल थी, वो थी, व्हाट इज द थिंग दैट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स। कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा आ रही है पर कभी पहुंचती नहीं है। तो दोस्तों, द राइट आंसर फॉर दिस रिडल इज टुमारो। जी हाँ दोस्तों, जो कल है वो हमेशा आ रहा होता है पर पहुंचता नहीं है, और जब पहुंचता है तो वो टुडे बन चुका होता है। तो द राइट आंसर फॉर द रिडल इज टुमारो, कल। तो रिडल थी हमारी, What is the thing that is always coming but never arrives? And the right answer is tomorrow, कल। तो दोस्तों, आज की रिडल मैं पूछूंगी लास्ट सेगमेंट में, और इस रिडल का सही आंसर देके आप एक तो पॉजिटिविटी पाएंगे, साथ ही एक फ्री रिचार्ज भी जीत सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस इंस्पिरेशनल राइड की, और अंत में इस एपिसोड के पूछूंगी मैं वो रिडल। हैप्पी लिसनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड। Inspirational Wing Season 4 with RJ Divya। लाइफ में आने वाली कई कंडीशन और सिचुएशन हमें तोड़ कर रख देती है, सुनी रास्ते में आपको अकेला छोड़ कर चली जाती है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पांव पिछा ले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। उसी रास्ते पर मैं मिलूंगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मैं हूँ अर्जय दिव्या और लेकर आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4। हर मंगलवार 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार शाम 4 से 5 बजे। ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइड, एंड इन दिस टुडेज 31st एपिसोड, लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ मॉरल स्टोरी। जी हाँ, एक ऐसी स्टोरी जो हमें एक सीख देती है। कहानी चाहे छोटी सी है पर उसका जो वजनदार सीख होती है वो काफी दिलचस्प भी होती है और सिखाती भी है काफी कुछ। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या कहानी है और क्या हमें सिखाती है। हैप्पी लिसनिंग, ये कहानी होगी हिंदी में हमेशा की तरह, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है, बच्चा होता है, वो स्कूल से काफी डिसअपॉइंट होके, काफी निराश होके घर जाता है और जाके अपने माँ बाप के पास बैठ जाता है। खाना खाते वक्त भी वो अपसेट होता है और उदासी सी होती है उसके चेहरे पे। तो क्योंकि दो दिन बाद पेपर शुरू होने वाले होते हैं तो वो पढ़ाई बिल्कुल करने लगता है रात को, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो खोया होता है और ये चीज उसके माँ बाप बिल्कुल देख लेते हैं, भांप लेते हैं और उससे जाके पूछते हैं कि तुम्हें क्या पेपर की टेंशन है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो उसके माता पिता फिर से पूछते हैं कि नहीं, कुछ तो ठीक नहीं है, तुम परेशान हो, और वो चीज झलक रही है। तो ये सुन के वो बच्चा कहता है कि मैं उदास हूँ अपने एक दोस्त को लेके। तो वो कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, उसकी तैयारी नहीं हुई क्या? वो कहता नहीं, तैयारी तो ठीक ठाक हो गई है पर वो बहुत ज्यादा
उसमें मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे लगता ही नहीं है कि वो पेपर दे पाएगा, तो बहुत उदास है और वो मेहनत करके भी अपने आप को कम समझ रहा है। तो ये सुन के माँ बाप थोड़े परेशान होते हैं और सोचते हैं, और बच्चा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेता है और वो पढ़ने लगता है। सुबह सुबह क्या होता है कि छुट्टी होती है स्कूल में क्योंकि पेपर है अगले दिन से, तो माँ बाप बच्चे के पास आते हैं, उसको उठाते हैं और कहते हैं कि कई बार दो शब्द ही काफी होते हैं। जी हाँ, अगर वो खुद अपने आप को कम समझ रहे तो तुम उसे ये फील करवा सकते हो कि वो कहीं भी कम नहीं है। तो ये देख के उस बच्चे की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो बिल्कुल तैयार हो जाता है कि कुछ भी उसे करना पड़े वो बिल्कुल करेगा। तो ये देख के माँ बाप को अच्छा लगता कि उनका बच्चा इस तरीके से किसी के लिए इतना डेडिकेटेड है कि इतना मतलब इतना भावुक है और कोशिश कर रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो वो बच्चा खुश होता है। और शाम को जब वो अपने मित्र को मिलने जाता है उसके घर, तो वो देखता है कि वो मित्र पढ़ रहा होता है और पढ़ के बिल्कुल जैसे वो मायूस था वैसे ही बैठा होता है, क्योंकि वो घबराया हुआ है और उसे लगता है वो कुछ कर नहीं पाएगा। तैयारी करके मेहनत करके पढ़ाई में अच्छा होता हुआ भी वो अपने आप को कम समझ रहा होता है। तो इस पे वो बच्चा उसे जाके कहता है कि एक मेरी प्रॉब्लम है इस लेसन में, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझसे हो नहीं रहा है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? तो वो बच्चा जो होता है दोस्त, वो मित्र कहता है कि मुझसे हेल्प लोगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, मैं सो भी नहीं पाया, रात को खाना भी नहीं खाया। तो ये सुन के वो बच्चा होता है उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और उसे आता है कि नहीं मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगा। तो वो बिल्कुल हेल्प करता है और उसे अच्छे से समझाता है पूरा लेसन। और उसके बाद जो उसका दोस्त होता है वो उस क्वेश्चन का जो कह सकते हैं कि उस लेसन का जो भी निचोड़ होता है वो उसे बताता है दोस्त को कि ये हुआ। फिर तो उसका जो मित्र है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही समझे तू। तो ये देख के वो मित्र भी बिल्कुल खुश हुआ होता है और उसका डर बिल्कुल निकल गया होता है। तो यही देख के जो बच्चा गया होता है उसे कॉन्फिडेंस बढ़ाने, उसका मतलब उसे और ज्यादा अपलिफ्ट करने, तो वो उसे देख के ये खुशी होती है कि हाँ इसका फर्क पड़ रहा है। तो इसके बाद वो दोनों खेलते हैं और रात को वो बच्चा वापिस आ जाता है। और अगले दिन जब सुबह वो स्कूल की बस में बैठते हैं तो जाते जाते वो अपने मित्र को कहता है कि शुक्र है तुम थे मेरे पास, नहीं तो मैं तो तैयारी कर ही नहीं पाता। ये देख के उस बच्चे का जो मुरझाया हुआ फेस था बिल्कुल खुशी से उठ गया, चहल उठा और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखने लगा। और उसने साथ ही अपने मित्र को कहा कि तुमने कल मुझे ये लेसन समझा दिया और अब मुझे बिल्कुल विश्वास है कि मैं अच्छे से करूंगा, थैंक यू एंड गुड लक। जी हाँ, उसने शुक्रिया किया और उसे गुड लक किया कि तुम पेपर अच्छा अच्छा करना। तो ये देख के वो देखता है कि जो वो दोस्त है जो मायूस था, जिसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर पाता है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया और उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा कि थैंक यू एंड सेम टू यू, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अच्छा पेपर देंगे। तो दोस्तों, जो बच्चा अपने आप को बहुत कम समझता था वो बिल्कुल इस छोटे से इंसिडेंट के बाद अपने आप को बिल्कुल काबिल समझने लगा और खुशी खुशी पेपर देने भी चला गया। तो दोस्तों, निचोड़ कहानी का इतना सा है कि कई बार हमें बताना पड़ता है किसी को कि वो क्या है और क्या स्टैंड कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त का सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, या फिर वो उन्हें लगता है कि वो शायद कुछ नहीं है, या फिर उनसे हो नहीं पाएगा, या फिर वो पेपर नहीं दे पाएंगे। तो आपको किसी न किसी तरीके से उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वो स्पेशल है और वो भी कर सकते हैं और वो औरों को भी सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी चीज है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, पर ये किसी की जिंदगी बिल्कुल बदल सकते हैं। तो उस पेपर के बाद बच्चा घर गया और अपने माँ बाप को बताया उसने कि ऐसे ऐसे हुआ, और जो वो मित्र था वो भी बेहद खुश था कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया। तो दोस्तों, इसी तरीके से जिंदगी में भी अगर आपको कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त है, मित्र है, कोई पास का रिश्तेदार है या कोई भी है जो मायूस है बेवजह, तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी कोई तरकीब निकालें और उसका जो सेल्फ एस्टीम है, जो उसका मतलब अपने प्रति कॉन्फिडेंस है, उसे बिल्कुल अपलिफ्ट करें। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे ये कहानी पसंद आई होगी आपको। अगर आपके पास भी है कोई कहानी, मॉरल स्टोरी, डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट। तो दोस्तों, इस कहानी के बाद अब बनती है छोटी सी ब्रेक, पर मिलूंगी आपको ब्रेक के तुरंत उस पार, बिकॉज अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर अस। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी लिसनिंग।
ऐ परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ान है तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं के इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी दुनिया सारी है जला सूरज को जाके आसमां पे तू ऐ परिंदे भर ऐसी उड़ान है तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं के इन हवाओं से तेरी यारी है Radio Udaan, a flavor of life. www.radioudaan.com So, dosto, now we are in the second segment of this inspirational ride and is सेगमेंट में हम सुनेंगे एक ऑडियो क्लिप हमेशा की तरह जो मोटिवेशनल होगी और इंस्पायर करेगी हमें तो दोस्तों ये कहानी एक मोटिवेशनल स्पीकर द्वारा है और आज की जो ये ऑडियो क्लिप है कह सकते हैं वो है कि कैसे सक्सेस पाएं सेवन रूल्स ऑफ सक्सेस और ये सेवन रूल्स बेहद इम्पोर्टेंट प्रूव हो सकते हैं तो चलिए सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल पसंद करने वाले हैं क्योंकि ये सेवन सीक्रेट रूल्स ऑफ सक्सेस will definitely help you. So, chaliye, I am going to play it right away. Stay tuned. Haar nahi manna. Haar nahi manna. And be flexible. Be flexible. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लोग ये समझते हैं चलते रहने का मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं भी मिल रहा तब भी उसको करते चले जाएं उसी तरीके से ये नहीं है मैं कह रहा हूं काम करो आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे बिजनेस ही करना है बिजनेस करो लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही किसी अलग तरीके से करो फिर किसी अलग तरीके से करो फिर थोड़ा अलग तरीके से करो बी फ्लेक्सिबल देखो जिस भी चीज में इस दुनिया में लाइफ है वो फ्लेक्सिबल है देखने में स्टिफ लगेगी लेकिन वो फ्लेक्सिबल है पेड़ से लेकर के इंसान से लेकर के किसी भी जानवर को देख लो किसी भी पौधे को देख लो कुछ भी देख लो फ्लेक्सिबल है यहां से वहां से वहां से जिसमें लाइफ नहीं है वो फ्लेक्सिबल नहीं है फ्लेक्सिबल
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है। यहां पर इमेजिन करो कि दो बाउल पड़े हुए हैं और दोनों के अंदर हम पानी को उबालते हैं अच्छे से 20 मिनट तक, पूरा खौलने लग जाता है पानी दोनों तरफ से। इधर ले जा करके हम एक आलू को डाल देते हैं पानी के अंदर और थोड़ी देर बाद बाहर निकालते हैं, क्या होगा? आलू जब गया था, नहीं गर्म तो होगा ही, गर्म पानी में गया तो गर्म हो जाएगा, बट साथ में क्या होगा कि जब आलू गया तब तक बहुत स्ट्रांग था, उसको आप ठंडे पानी में रखो तो स्ट्रांग है, मतलब पॉजिटिव सिचुएशंस में रखो जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा वो चाहता है तो बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल हार्ड है। जैसे ही ऐसी जगह पे गया जहां एडवर्स सिचुएशन है, जहां प्रॉब्लम है, वहां पर खत्म हो गया, उसको बाहर निकालो कचूमर बन जाएगा उसका, भरता बन जाएगा आलू का, बुरी हालत, ऐसे ही होगा, उसको आप बाहर निकालोगे। दूसरी तरफ, एक तरफ पानी खोल रहा है उसमें ले जा करके आप एक चम्मच चीनी को डाल दो, क्या होगा? और उसके 10 मिनट बाद आप चीनी को निकालने की कोशिश करो, नहीं, चीनी ने क्या किया, उस खराब सिचुएशन में आलू गया स्ट्रांग गया और वीक बनके बाहर आ गया, चीनी ने क्या किया, एक खराब सिचुएशन में अंदर गई चाहे अच्छी सिचुएशन में गई, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया। चाहे आप सक्सेस में डालो चाहे फेलियर में डालो, दोनों को सक्सेस बना देगी। पानी में से आप चीनी को निकाल नहीं सकते, फिर वो पानी नहीं रहा, वो चाशनी बन गया, वो चीनी ही बन गया, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया। तो बनना है तो ऐसे बनो। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, सिंपल। याद रखिए, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात क्या करी जा रही है, वॉन्ट, मुझे चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहिए से कुछ नहीं होने वाला, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, तो वो ही मिलेगा जो आप हो, वो नहीं जो आप चाहते हो। दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज है आपके हाथ में, सपोज आम का बीज है, और आप बोलते रहते हो कि यार एप्पल का पेड़ लग जाए, एप्पल का पेड़ लग जाए, सेब आएगा मैं सेब खाऊंगा, विजुलाइज कर रहे हो आप बैठ करके डेली, एप्पल में सेब आएगा, हाँ मीठा होगा, लाल होगा, यहां पेड़ पे चढ़ूंगा, तोड़ूंगा, पेड़ लगेगा, मेरे बच्चे वालों को सेब लगे जुड़े, एंड जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो क्या होगा, सब बेकार है, सब बेकार है। क्या कभी लगेगा एप्पल का पेड़? नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको डिस्कवर करना होगा कि आप हो कौन, Who are you? Because you will get what you are, not what you want. तो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को डिस्कवर करना कि मैं हूं कौन। आप एक क्रिकेटर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप हो कौन भाई? एक अंदर से क्रिकेटर है, बाहर वो म्यूजिशियन बनने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा? मजाक होगा, और क्या होगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने डिस्कवर कर लिया कि मेरे अंदर एक क्रिकेटर छुपा हुआ है, तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा, 4 घंटे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि मुझे आज Whatever, या 10 साल बाद मुझे 10 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, नहीं आने वाले। आज मुझे ये करना है, इतने कमाने हैं, इतने कमाने हैं, नहीं आने वाले। गोल क्या होना चाहिए, आज मुझे 3 घंटा क्रिकेट खेलना है, खेलो, अपने आप आएंगे 10 लाख, 10 लाख क्या, 10 करोड़ भी आएंगे, 100 करोड़ भी आएंगे। देखो, मैंने अनस्टॉपेबल सेशन में एक बात बोली थी कि एक सवाल करो अपने आप से, क्या था वो सवाल? क्यों? ये मैंने क्यों बोली? क्यों बोलेगी, क्यों सवाल करो, पता चलता है सामने से आंसर मिलेगा। आपसे न्यू लीडर जो दिया समझ रहा, जब भी आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से क्यों पूछते हो तो आपको पता लग जाता है कि मेरा उस काम को करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। सपोजिंगली आप इस पर यहां आ जाए, आप इमेजिन करो कि आप यहां पे खड़े हुए हो और आपके यहां पर 4 बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं, 4 बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए, पहलवान टाइप के, बिल्कुल कान तोड़ देते, कान टूटे हुए होते पहलवान हो गए, वैसे उस टाइप के यहां पे 4 पहलवान खड़े हुए हैं लंगोट वंगोट पहन के, और
आपको उनसे लड़ना है, ये आपका गोल है। गोल सेटिंग समझ आ रही है? गोल है, इनका गोल क्या है? उनसे लड़ना है आपको। क्या करोगे? मैं तो वहां पे होगा। गोल सेट करते रहो, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। क्यों चाहिए पता ही नहीं, पूछता ही नहीं है कोई। कर दिया गोल सेटिंग, उसके बाद में भैया करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए इमोशंस होने चाहिए। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। इमोशंस एनर्जी इन मोशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के आप नहीं कर सकते। अब वो इमोशंस कहां से आते हैं? वो गोल से नहीं आते, वो उनसे लड़ने से नहीं आएंगे आपको, वो आएंगे पर्पस से, कि आपका मकसद क्या है, क्यों लड़ना है भाई, लड़ना है या भागना है। अभी तुम्हारा मकसद है भागना, ठीक है, क्योंकि चार लोग सामने खड़े हैं, आपका भी मकसद है भाग, क्यों लड़ेंगे उन सबको, पागल ही होगा जो जाएंगे है कि नहीं, कोई है आप तो आकर के लड़ेगा उनसे बिना बात के। अब दूसरी तरफ से देखो क्यों करना है। अब मैं आपको वजह देता हूं करने की। अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? मम्मा को। आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है, इमेजिन करो, आप बंद कर लो, है ना, आपकी मम्मा आपके पीछे खड़ी हुई है यहां पे, और वो चार पहलवान आपके सामने खड़े हुए हैं, वो आपको नहीं मारना चाहते, आपकी मम्मा को मारना चाहते हैं। अब क्या करोगे? थोड़ा जोर से बोलना, एक थोड़ा और जोर से बोलो पीछे। क्यों पूछना है कि पीछे कोई इमोशन है भी या खोखला है, समझ गए? मतलब एक जो ट्रेन है उसमें डब्बे तो बहुत सारे हैं, वो इंजन भी लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कि हम उसमें डब्बों में बैठ कर खुश हो रहे हैं, वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। इंजन मकसद है, गोल नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बॉडी के लिए हम कितना कुछ करते हैं, माइंड के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं अब माइंड के लिए क्या करता हूं, क्योंकि अगर माइंड रैप पे होगा तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा था, और इस बात को ध्यान से समझना कि हम लोगों का, इंसानों का सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि हम इनएडिक्वेट हैं, कि हमारे अंदर कोई कमी है। सबसे बड़ा डर यह होता है कि हम, वी आर ऑल पावरफुल बियॉन्ड मेजर, मतलब हमारे अंदर, ये डीपेस्ट फियर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीपेस्ट फियर साइकोलॉजिकली। अगर आप अंदर 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 जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा डर हमारा यह है कि हमारे में इतनी पावर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कि हम में से कोई भी एक इंसान यहां पर अगर वो चाहे तो पूरी पूरी दुनिया को हिला सकता है, कुछ भी कर सकता है। वही डर हमको रोकता है आगे बढ़ने से, और उसकी वजह से हम इधर उधर अपने माइंड को भटका देते हैं। तो क्या करना है अपने माइंड के लिए? मैं क्या करता हूं, वन इज आई मेडिटेट डेली, मेडिटेशन करता हूं जिससे माइंड ट्रैक पे रहे। मेरे लिए नहाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी अगर टाइम नहीं होता तो नहाता नहीं, आज नहा के आया हूं तो मैं नहाता नहीं हूं चलेगा, लेकिन मेडिटेशन जरूर करता हूं, चाहे 5 मिनट के लिए करूं चाहे 2 घंटे के लिए करूं, लेकिन करता जरूर हूं। 1, 2, कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता जरूर हूं एक दिन में, चाहे 5 मिनट के लिए पढ़ू चाहे 1 घंटे के लिए पढ़ू। अच्छे का मतलब न्यूज़पेपर नहीं है, ये आई थिंक यहां पे सबको पता होगा। अच्छे का मतलब टीवी पे महाभारत देखना नहीं है, अच्छे का मतलब है कुछ भी ऐसा जिससे जो मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो, जो मैल जम गया है माइंड के ऊपर, जैसे बॉडी के ऊपर मैल निकालते हैं ना रोज, वो जो मैल जम गया है थोड़ा सा, और वो जमता ही है सबके ऊपर, मेरे अंदर भी आएगा कहीं ना कहीं, है ना, तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा पढ़ लेता हूं ठीक हो जाता है, कुछ थोड़ा सा बोल देता हूं, ये जो चीज मैं कर रहा हूं आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन मैं अल्टीमेटली अपने लिए भी कर रहा हूं ये चीज, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूं या आपको एनर्जी दे रहा हूं तो मेरी भी तो एनर्जी बढ़ रही है ना। अगर आपको खुशियां बांट रहा हूं किसी भी तरीके से या बांटने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी भी तो खुशी बढ़ रही है ना, मैं भी तो अंदर से पीसफुल होता जा रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कुछ अच्छा हो सोसाइटी में तो मेरी भी तो लाइफ में अच्छा हो रहा है ना। सो दैट इज दीज आर दोस 3 वेज, एक मेडिटेशन, दूसरा बुक्स, तीसरा कुछ अच्छी बातें करना, और अच्छी बातें सिर्फ यहां पे नहीं कि अगर मैं सेशन में आया हूं तो यहां पे अच्छी बातें करूंगा, अगर मैं ऑफिस में हूं वहां भी अच्छी बातें करूंगा, घर में हूं वहां पर भी अच्छी बातें करूंगा। बुरी बातें भी होती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आंख बंद करके बैठा रहता हूं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन नहीं है तो अच्छी बातें करो, उस एस्पेक्ट की पॉजिटिव साइड देखो, सिंपल।
मुझे याद है लास्ट लाइसेंसिंग सेमिनार में मैंने क्या बोला था कि मैं नहीं मानता विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, क्या करना चाहिए, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। यही तीन रास्ते हैं जहां से वो नेगेटिव एनर्जीज अंदर जाती है, यही तीन रास्ते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। सोक्रेट्स का नाम सुना है सबने? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम ग्रीक, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। एक बार उनके पास में एक आदमी आया और आकर के उसने बोला, बड़ा एक्साइटेड, जैसे हमारे साथ भी कई बार होता है, कुछ लोग आ जाते हैं आकर के अपनी कुछ बात बताने के लिए, बड़ा एक्साइटेड होकर के सोक्रेट्स के पास में आया, मैं आपको ना एक बात बताने वाला हूं, आपको सुनकर बहुत मजा आएगा। सोक्रेट्स ने हंसते हुए उससे बोला, कहते कोई बात नहीं, मैं तुमसे तीन सवाल पूछने वाला हूं, अगर उन तीन में से एक का भी जवाब हां हुआ तो मुझे बता देना, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात को आराम से बैठ करके। पहली बात, पहला सवाल, क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो उस आदमी के बारे में, जिसके बारे में भी तुम बताने वाले हो, क्या वो सच है? वो सोच में पड़ गया, कहता हां शायद सच है, शायद नहीं। कहता अच्छा, मतलब सच नहीं है, शक है, और शक को सच नहीं बोल सकते, मतलब कि सच नहीं है। दूसरा, क्या जो तुम मुझे बताने वाले हो उस आदमी के बारे में वो कुछ अच्छा है? कहता नहीं नहीं, क्या बात कर रहे सर, बल्कि अच्छे का उल्टा है, कुछ बुरा है। अच्छा नहीं है, उल्टा है, उसका बुरा है, कुछ बुराई करने वाला, कुछ बुरा बताने वाला। बोला कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन हट गए। तीसरे का भी अगर जवाब हां हुआ तो मैं सुनूंगा तुम्हारी बात आराम से बैठ करके। क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो यूजफुल है, क्या मेरे किसी काम की है? वो थोड़ा सोच के बोला, कहता नहीं। तो सॉक्रेट्स ने उस आदमी को देख करके आराम से स्माइल पास करी और हंसते हुए एक लाइन बोल करके वहां से चले गए। कहते क्यों सुनूं मैं तुम्हारी ऐसी बात जो ना तो सच है, ना वो अच्छी है, ना मेरे किसी काम की है, क्यों सुनूं भाई? मेरी लाइफ का फंडा क्या है, मैं आपको बताता हूं मेरी लाइफ का सीक्रेट क्या है। मैं दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, कहीं भी कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ खुद पे काम करता रहता हूं, खुद को बदलता रहता हूं, खुद को ठीक करता रहता हूं। और मैं किस तरीके से चीजों को देखता हूं, दो तरह की चीजें हैं इस दुनिया में, एक वो जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं उसको मैं सुनता हूं और उस पर काम करके उसको बदल देता हूं, दूसरी वो जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे काम की नहीं है, उसको सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं। हर एक का अपना एक काम है जो उसको मिला हुआ है। हम क्या गलती करते हैं, हम जाकर के हजार चीजों में घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आकर के कोई मेरे से पॉलिटिक्स की बातें करता, मैं नहीं करता, मुझे नॉलेज ही नहीं है। आप मेरे आकर के नाम पूछोगे ना कि ये कौन है, मेरे को ये नहीं पता हमारे एरिया का एमएलए कौन है, आई सिंपली डोंट नो, मुझे नहीं पता किस कंट्री में क्या नई गॉसिप चल रही है, क्या नया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता इस पूरी दुनिया में। सारा फोकस यहां है, यहां नहीं, सिर्फ यहां। सर, अगर किसी इंसान की लाइफ में सब कुछ हो, हर एक वो चीज जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होना चाहिए, अच्छी फैमिली है, अच्छी हेल्थ और हर एक चीज है, अगर फिर भी वो खुश ना हो और वो अपने आप से क्वेश्चन करता है वो खुश क्यों नहीं है और उसे रीजन ना मिले, तो सर ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, यू नो, बिकॉज आपने एक मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं पहाड़, और मैक्सिमम लोग यहां पर छोटी में तो बहुत कम लोग होते हैं। आपने वो पूछा कि जो आदमी चोटी पे पहुंच गया वो क्या करे, आगे चढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, राइट? हाँ, जो यहाँ पर है उनके क्वेश्चन होते हैं, अच्छा मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, समझ आता है। बट ही इज आस्किंग समथिंग एल्स, ये पूछ रहा है कि यार जो बंदा अगर मैं कल को वहां पहुंच गया तो क्या बचेगा, है ना? देखो मैं बताता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता, क्योंकि गोल सेटिंग जब पर्पस पे होती है तो आप वहां कभी पहुंच ही नहीं सकते, समझ गए? जब गोल सेटिंग गोल पे होगी तो आप पहुंच जाओगे, चीजों पे होगी तो आप पहुंच जाओगे, और आप फिर आप खोखले हो जाओगे अंदर से। कोई भी इंसान, देखो जब तक किसी के पास में पैसा नहीं होता ना, ये बहुत सारी चीजें नहीं होती, उसको लगता है कि हाँ बस यही सब कुछ है, इसी में मजा है,
ये अगर आ जाए तो लाइट बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, जिस दिन आ जाती है ना जिंदगी झंडे फिर भी कम जाए। ऐसे एक नहीं हजारों जाकर आपको देखना, आप भी अपने आस पास में जाकर के देखना, जिसके पास में जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही डरा हुआ होगा, उतना ही घबराया हुआ होगा, खुल के नहीं कर रहा होगा अपनी लाइफ को। जब उसने अपना करियर शुरू किया था तब वो जिस तरीके से चीजों को करता था, तब उसकी जो एनर्जी थी, जो एंथुसियाज्म था, जो जज्बा था चीजों को करने का, क्या वो अभी होता है? नहीं होता। मतलब मर गया, जीते जी मर गया। अब वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट्स के बीच में घिरा हुआ है, चीजों के बीच में घिरा हुआ है, वो खुद एक चीज बन गया, इंसान नहीं रहा। तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि कुछ भी अगर किसी की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कहते हो कि मेरी तो जिंदगी में कोई मकसद नहीं, मैंने बहुत पूछा क्यों 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 क्यों, मुझे नहीं समझ आया क्या करूं, आपकी जिंदगी के मकसद को ढूंढना ही आपकी जिंदगी का मकसद है। क्योंकि ना मुझे अब जाकर के असली सक्सेस जो है उसका मतलब समझ आ गया है। वो ये नहीं है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी, कार, बैंक बैलेंस, कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जिंदगी भर बस भागते रहें, और जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको सोच सोच करके हम बस रोते रहें। ये नहीं है सक्सेस, ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है और कुछ नहीं है। असली सक्सेस है जो मैंने फील करी है, जब आप कुछ ऐसा कर जाओ कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी हर चीज आप हंसते हंसते मर सको, वो है असली सक्सेस। बड़ी सक्सेस थैंक्स। तो दोस्तों थी ना ये एक खूबसूरत सी ऑडियो क्लिप। वेल, मुझे तो सातों के सात रूल्स बहुत अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे, और ऐसा लगा कि अब तो सक्सेस मिल ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन चीजों को सुने, समझे और इन्हें इम्प्लीमेंट करें तो जिंदगी में सक्सेस बिल्कुल आएगी। हाँ, ये मुश्किल होता है कि आप ये चीज सुन के अपनी जिंदगी में अपनाएं, पर नामुमकिन तो कुछ नहीं, राइट फ्रेंड्स? तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि ये 7 रूल्स आप अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहद आगे लेके जाएं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको पसंद आई होगी ऑडियो क्लिप संदीप महेश्वरी द्वारा। वेल, चलिए अब बढ़ाते हैं कदम आगे, बिकॉज सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस। मिलती हूँ आपको ब्रेक के तुरंत उस पार। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल विंग सीजन 4 विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं?
ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार है। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैंड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ थॉट्स, क्योट्स, लाइंस एंड वर्ड्स। और हमेशा की तरह इन थॉट्स से हम कुछ सीख सकते हैं या फिर कोई चीज अपनी जिंदगी में नई ऐड कर सकते हैं या कुछ रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, अच्छी आदतें हम बिल्कुल पा सकते हैं और बुरी आदतों को बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के थॉट्स क्योट्स में क्या है छिपा हुआ हमारे लिए। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। The first thought for the evening is, you cannot change what you refuse to confront. जी हाँ दोस्तों, जो सी चीज का आप सामना ही नहीं करते वो चीज आप कभी चेंज भी नहीं कर सकते। You cannot change what you refuse to confront. जी हाँ, कोई चीज का सामने करने से आप पहले ही मना कर देते हैं तो उस चीज को बदलेंगे कैसे? So you cannot change what you refuse to confront. तो चलिए, द सेकेंड थॉट फॉर दिस इवनिंग इज, डोंट थिंक ऑफ कॉस्ट, थिंक ऑफ वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, हमेशा पैसे के बारे में मत सोचिए, सोचना है तो वैल्यू सोचिए कि उस चीज की वैल्यू क्या है, कितनी अनमोल है वो। सो डोंट थिंक ऑफ कॉस्ट, थिंक ऑफ वैल्यू। तो चलिए, द थर्ड थॉट फॉर द इवनिंग इज, समटाइम्स यू नीड टू डिस्टेंस योर सेल्फ टू सी थिंग्स क्लियरली। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो भी आपको चाहिए वो सिर्फ इतनी सी चीज है कि आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर लें किसी चीज से, तो तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। सो समटाइम्स यू नीड टू डिस्टेंस योरसेल्फ टू सी थिंग्स क्लियरली। तो चलिए, द फोर्थ थॉट फॉर द इवनिंग इज, नो मैटर हाउ मैनी मिस्टेक्स यू मेक और हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, You are still way ahead of everyone who isn't trying. जी हाँ दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी गलतियां करते हैं या आप कितने स्लो हैं। मायने ये लगता है कि आप अभी भी उन लोगों से आगे हैं जो लोग ट्राई ही नहीं करते। तो नो मैटर हाउ मैनी मिस्टेक्स यू मेक और हाउ स्लो यू प्रोग्रेस, यू आर स्टिल वे अहेड ऑफ एवरीवन हु इजंट ट्राइंग। जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं उनसे आप कहीं आगे हैं। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर द इवनिंग इज, इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे विल मेक एन ऑब्वियस एफर्ट टू डू सो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू रिजर्विंग अ स्पेस इन योर हार्ट फॉर पीपल हु डू नॉट मेक एन एफर्ट टू स्टे। जी हाँ, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी में रहना चाहता है तो वो बिल्कुल रहेगा, वो एफर्ट्स डालेगा। पर अगर आप किसी और व्यक्ति को जगह दे रहे हैं जिंदगी में जो कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे, तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज का। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत थॉट, इफ अ पर्सन
wants to be a part of your life, they will make an obvious effort to do so. Think twice before reserving a space in your heart for people who do not make an effort to stay. To chaliye, the next thought for the evening is, well, jo thought hai wo hai, making one person smile can change the world. Maybe not the whole world, but their world. Ji haan dosto, ho sakta hai ki aap kisi ek vyakti ko khush karne ke liye uski help kar rahe, chahe wo cheez puri duniya ko khush na kare, par us vyakti ki jo zindagi hai usme bahut zyada achhi cheez paida kar sakti hai ya fir ek change la sakti hai. So making one person smile can change the world. Maybe not the whole world, but their world. To chaliye, the next thought for the evening is, saying someone is ugly does not make you any prettier. जी हाँ दोस्तों, अगर आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बद्धा दिखता है, बहुत बुरा दिखता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं. तो saying someone is ugly doesn't make you any prettier. तो चलिए, the next thought for the evening is, the only normal people you know are the ones you don't know very well. जी हाँ दोस्तों, जो लोग नॉर्मल है बहुत, वो ही हैं जिन्हें आप अच्छे से नहीं जानते. क्योंकि जब भी आप लोगों को अच्छे से जानने लगते हैं, नजदीक से उनको पहचानने लगते हैं, तो उनकी जो वो क्या है, तो तब पता लगता है कि असल में वो है क्या. द ओनली नॉर्मल पीपल यू नो आर द वंस यू डोंट नो वेरी वेल. तो चलिए, द लास्ट थॉट फॉर द ब्यूटिफुल इवनिंग इज, द मोस्ट पेनफुल थिंग is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Ji ha, bahut hi khoobsurat thought, aur shayad ye bahut se logo pe lagu bhi karta hai. The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Ji ha dosto, aap jab kisi vyakti ko itna pyar karne lagte hain ki aap apne aap ko piche chhod dete hain, to wo cheez bilkul sahi nahi hai, kyunki aap bhi special hain. You are also special. So the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. So dosto, these were a few thoughts for this evening. Abhi leti hu main choti si break, milungi aapko break ke turant us par. You are listening to Inspirational Wing Season 4 with RJ Divya Sharma. So dosto, in thoughts ne jo bhi sikhaya, bilkul seekhiye, kyunki seekh ke hamari zindagi aur bhi khoobsurat aur productive ban sakti hai. Happy listening. We'll be right back.
You are listening Radio Udaan, a flavor line. www.radioudaan.com. Now we are in the segment of tips. Yes friends, tips. Like always in this segment we talk about 5 tips, and these tips are in English and always revolving around a specific topic or concept. So chaliye, today's tips are going to be revolving around how to feel like traveling. Yes friends, let us find out what it really means. वेल दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम घूमना चाहते हैं, हम दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अवर लिमिटेशंस. ऑफिस की छुट्टियां नहीं मिलती, पैसे कम हैं, बजट ठीक नहीं है, या फिर और रिस्ट्रिक्शंस हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ला. तो कैसे एक्सपीरियंस करें दुनिया को? तो देयर आर 5 टिप्स. लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स दीज टिप्स. हैप्पी लिसनिंग. Read. Yes friends, reading is the best way to explore the different corners of the world. Ji haan, you can read different books, different magazines, different traveling blogs and many other articles. There are myriad of websites and platforms that can help you with traveling stuff. You can read it, you can imagine it, and believe me, you are going to cherish it for sure. Because these platforms, these reading stuff help you in exploring different areas. So make sure you are reading enough to bring that traveling tang in your life. Try it yourself, you will get pleasure. Of course, later on in life, you can definitely visit different places. But till then, you can experience it through reading. So read. Watch movies. Yes friends, whenever you have time, maybe on weekends, make sure you are watching movies, because movies are always packed with different sceneries, different landscapes, different backgrounds and so on. So through these movies, through their scenes, through their different cities, you can explore as many places as you want. Different movies are, you know, picturized in different countries, in different corners of the world, in different islands, mountains and so on. So through these movies you can experience the thrill of traveling. So till you get a chance to visit a place, you can experience it through a movie as well. Maybe it is sounding quite obvious to you, but most of the times we get so much indulged in the storyline that we forget to explore the backgrounds, the places, the sceneries being shown in the movie. So make sure you are not doing this and exploring the spots through these movies. Share experiences. Yes friend, if your friend has just returned from Leh Ladakh, make sure you are listening to his experience. Just listen to what he is saying. Of course, through his words, you can imagine, yes, he did that, he reached there, then he explored the areas around the place, he went to the lake, he went to the other places, museums and so on. So this way, when he is expressing his personal experience, fresh personal experience, you can get a glimpse of that place. Believe me, it gives a great delight. So whenever your friends been to any places or for any holidays, make sure you are taking their views, you're talking about their experiences. So also share experiences. So dosto, the fourth tip is, well, any guesses? Well, the fourth tip is listen to music. Yes, now you must be thinking, how come music be so, you know, traveling oriented? Well, you can listen to music and watch the videos. Music songs are mostly captured in different areas of the world. To get the best feel, they pick the best spots. So since this is the case, you can experience so much of places through these songs. And believe me, these songs
have the most exclusive and most amazing scenes you have ever seen in your life. And who knows, you just add a new place in your bucket list to visit in coming future. So do listen to music, watch the video, and you are going to get a glimpse of different places. The final tip is, there are many channels on television that are traveling oriented. I won't name any specific channel here, but there do are, and who knows, you know already that there are traveling channels which only focus on traveling destinations. So you can go through these channels and see different destinations through these programs, the episodes that telecast on these channels. These channels are always talking about traveling. They tell you about what is good at which place, whether it's food or climate, whether it's adventure or trekking. You can find everything through these channels. So go ahead and explore your TV set up box or dish and blah blah blah, and find out those channels, and you are going to love it for sure. So those are these were the 5 tips to experience the traveling thrill. Well, jab tak aap jaate nahi khud personally visit nahi karte koi place, aap kam se kam experience to kar sakte hain kuch thrill. So those, I hope these 5 tips will help you and take you closer to the real delight of traveling, touring, journeys and so on. So those, let me take a short break and I'll be right back with the remaining segment. Stay tuned. दिल के टापू तक आए, डूब जाने की रुत है, आजा प्यार में घुल जाए, आज ना खुद को रोको, प्यार में खुद को झोंको, शिकवों के सारे पर्दे खींच दो, आसमां पे छाना है, गुनगुनाना है, बच्चा बादल दिल कहता है, भीग जा यारा, बरसो यारो बरसो रे, बरस के प्यार यारो बरसो रे, तक आए, डूब जाने की रुत है, आजा प्यार में घुल जाए, आज ना
خود کو روکو پیار میں خود کو جھونکو شکموں کے سارے پردے کھینچ دو آسما پہ چھانا ہے तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 31st एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशनल विंग्स. लाइक ऑलवेज वी हैव वॉक थ्रू डिफरेंट सेगमेंट्स फिल्ड विद पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन, करेज, डिटर्मिनेशन. वेल, इन द फर्स्ट सेगमेंट वी लिसन टू a kahani. In the second segment, we listened to an audio clip. In the third segment, we talked about thoughts, quotes, lines, sayings, words. In the fourth segment, we talked about five tips revolving around traveling. And finally, in this segment, we are wrapping up the episode. Well, I hope you liked this episode. If you have any feedbacks, views, or anything you want to say or share, do share. Our website is www.radioudaan.com. Saathi Facebook pe URL hai, page hai www.facebook.com/radioudaan. Saathi Twitter pe Radio Udaan hai hamara Skype ID, aur saathi mera yani ki RJ Divya Sharma ka personal Skype ID hai Divya31S. तो यहाँ पे भी आप अपने व्यूज, आइडियाज, सजेशंस ड्रॉप इन कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudaan.com. तो दोस्तों, अभी समय आता है एक रिडल पूछने का, एक पहेली पूछने का. जी हाँ, क्योंकि ये पहेली आपको पॉजिटिविटी भी देगी और साथ ही साथ एक इनाम यानी कि एक फ्री रिचार्ज जितवा सकती है. तो आंसर देना है आपको संडे से पहले पहले. जी हाँ, अगला एपिसोड आएगा ट्यूजडे को नेक्स्ट, और उससे पहले पहले संडे तक यू हैव टू ड्रॉप इन योर आंसर्स. So the riddle for this evening is, what is the thing that has hands but they cannot clap? Ji ha, kaun si aisi cheez hai jiske haath to hain par wo clap nahi kar sakte? Well, this is a funny riddle but can get you a free recharge along with positivity. To dosto, sochiye thoda sa, easy hai. To what is
the thing that has two hands but they cannot clap. तो चलिए मुझे इंतजार रहेगा आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हूँ इजाजत मिलूंगी आप नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट वेंसडे 4 to 5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ स्टे पॉजिटिव कीप शेयरिंग पॉजिटिव स्टफ हैप्पी लिसनिंग टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स